नींद बड़ी प्यारी चीज, बहुत ही प्यारी। और आजकल तो लोग 8 घंटे, 10 घंटे, 12 घंटे सोते हैं। उसकी वजह क्या है? मेजॉरिटी लोगों की नींद पूरी ही नहीं होती, टूटती रहती है बीच बीच में। इतनी अंदर अस्थिरता है, पहली बार तो जल्दी आती ही नहीं, रात भर करवट इधर उधर लेते रहते हैं, मन ऐसे ऐसे चलता रहता है, ऐसे ऐसे एक साइड में मन चल रहा, पहले साइड में कि आईएएस बन गए, मंत्री जी की बेटी शादी हो गई, पूरा गांव सामने आके सर झुका दिया, तो खूब चौड़े होके लेटे। और फिर मन पलट के दूसरी तरफ चला जाता है कि आईएएस नहीं बन पाए, माँ बाप भगा दिए, भीख मांग रहे हैं, तो सिकुड़ के लेट गए। ऐसे काफी देर तक रात में यह प्रक्रिया चलती रहती है। आजकल लोग थक कर सोते हैं, मेजॉरिटी। आजकल लोग अपनी नींद से नहीं सोते कि लेटे नींद आ गई, थक कर कि भैया रात भर इधर उधर पलटते रहे और पता नहीं कब नींद आ गई। नींद बहुत इंपॉर्टेंट चीज है सर, अगर गहरी आ जाए, फुल फ्लेज्ड, तो 5 घंटे बहुत है, 6 घंटे तो बहुत ज्यादा है। अगर बेहोशी की नींद आ जाए, 6 घंटे बहुत ज्यादा है। नींद, नींद का त्याग होगा तो जागरण मिलेगा। लेकिन हर त्याग के साथ, हर सुबह आप उठना चाहते हैं, 5 बजे आपकी नींद खुली, 6 बजे आपकी सुबह नींद खुली, उठिए मत, एक बैग जबरदस्ती मत करिए, रुके रहिए बिस्तर पर, रुके रहिए, आंख बंद रखिए, कोई बगावत मत करिए। आपका मन तुरंत 2 भागों में बढ़ जाएगा। एक कहेगा कुछ नहीं होता यार, 2 घंटे सो ले यार, कुछ नहीं होता सुबह उठने से। 2-4 एग्जाम्पल भी गिला देगा कि चर्चिल हमेशा 11 बजे सो के उठता था, ब्रिटेन का प्रधानमंत्री था, उठता ही था। मन की सबसे बड़ी ताकत क्या है? कि जो वो करवाना चाहता है उसके पक्ष में एविडेंस देना शुरू कर देता है। रुके रहिए आप बिस्तर पे, एकदम रुके रहिए। और जो भी आपका नाम है, जैसे अवध आपका नाम है, जगाइए। बड़ा अजीब सा लगेगा पहले 15 दिन, बहुत अजीब सा लगेगा, खुद को जगाइए, खुद को आराम से। ये साधना है, ये संस्कार नहीं है, ये साधना है, ये ध्यान है। संस्कार से जो चीजें होती हैं वो हैबिचुअल बनाती हैं आदमी को। कि मौलाना साहब 2 बजे की नमाज पढ़ने जाते, हैबिचुअल है। लेकिन साधना क्या करता है, ध्यान क्या करता है, कि आपकी जो इंटरनल एनर्जी है उसको कन्वर्ट करना शुरू कर देता है, और उससे आपके अंदर ताकत का संचार होने लगता है, आप इंटरनली पावरफुल होने लगते हैं। जिसने भी इंद्रियों को छोड़ा, सेंसेस को, उसको साधना करनी पड़ी। और जिसने सही डायरेक्शन में किया, बुद्ध ने, महावीर ने, दादू ने, नानक ने, रैदास ने, तो उनको कॉन्शियस मिल गई, चैतन्य। और जिसको भी चैतन्य मिला, वो महान हो गया। त्याग किसका करना है? सेंसेस का। लेकिन त्याग के साथ तपस्या, साधना करनी पड़ेगी, ध्यान करना पड़ेगा। आप खाना खाने बैठे, चिकन बहुत पसंद है, चावल बहुत पसंद है, बहुत पसंद है, कोई बात नहीं, आप एक्सपेरिमेंट करिए, खाना रखिए सामने और जागरूक हो जाइए, सांसों पे आइए, बस जागरूक, अलर्ट हो जाइए, अपने आप को खाने से अलग कर लीजिए,
वो जो उत्तेजना थी वो कन्वर्ट हो जाएगी। जितने लोग उत्तेजना में खाना खाते हैं, कुछ भी करते हैं, एक तो ज्यादा ज्यादा खाते हैं और दूसरा खाते ही चले जाते हैं, जब यहां तक भोजन पहुंच जाता है कि अब नहीं जा सकता, तब उनको लगता है कि पेट भर गया। अगर आप बेहोशी का त्याग करें, बेहोशी बहुसंख्यक लोगों को है सर, नहीं तो इतना आसान है सिगरेट पीना। पैकेट पे लिखा हुआ है सिगरेट स्मोकिंग इज डेंजरस टू हेल्थ, पहली लाइन। दूसरी स्टैच्यूटरी वार्निंग में लिखा हुआ है टोबैको कैन मे कॉज कैंसर। तीसरी बात, लंग्स की फोटो बना दी है। तीन तीन चीज, तीन। कोई विटामिन नहीं, कोई यूजफुल चीज नहीं। यह बेहोशी नहीं है, बेहोशी का मतलब यह नहीं सिर्फ आंख बंद करके बेहोशी, आंख खुली होकर भी बेहोशी होती है। वो बड़ी अजीब सी बेहोशी है, 98% को एहसास ही नहीं होता कि वो बेहोश है। सिगरेट का सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। एक ऐसा उत्पाद है दुनिया का जो कीमती है, बड़े पैमाने पर बिकने वाला है और जिसका कोई फायदा ही नहीं है। शराब का तो भी कुछ है और बहुत कुछ है, शायद ही दुनिया का कोई रोग हो जिसमें सिगरेट पीने को रिकमेंड किया जाए। दुनिया के कई सारे रोग हैं जिसमें शराब को रिकमेंड किया जाता है। आर्मी के लोग तो लेकर ही चलते हैं शराब, अफीम, इंजरी हो गई, घायल हो गए तो पेन को रोकने में काम आती है। बेहोशी का त्याग, और होश की उपलब्धि होगी। लेकिन इस लेकिन एक त्याग के साथ, यही 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 सिर्फ त्याग नहीं, तपस्या भी। बैठना पड़ेगा सर, सांसों को देखना पड़ेगा। आप सिगरेट लीजिए, ऐसा कसम मत खाइए कि अब मैं सिगरेट की दुकान की तरफ देखूंगा नहीं, अब मैं सिगरेट की दुकान की तरफ जाऊंगा नहीं। ना 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 ना, ना ऐसे नहीं। मंदिर में गए, कसम खा लिए कि आज से शंकर जी की भोलेनाथ के सर पे हाथ रखे कसम खा रहे हैं, जो एक सिगरेट पी ले, ये सबसे कुछ ना होगा। सिगरेट रख लीजिए बगल में और जैसे ही तलब, इच्छा तो होती नहीं, तलब सांसों पे आइए, तुरंत सांसों पे आइए और डीप सांस अंदर ले आइए। ये आपके विल पावर की तपस्या, मतलब विल पावर की जांच। तो वो जो तलब अंदर उठ रही है वो उतने समय में परिवर्तित होगी सर, बदलेगी। पुरोहितों ने क्या किया? पुरोहितों ने इस पूरे कॉन्सेप्ट को ही खत्म कर दिया। वो चाहे हिंदू पुरोहित हो, चाहे मुसलमान पुरोहित हो, चाहे सिख पुरोहित हो, इस पूरे कॉन्सेप्ट को मार डाला। किसी भी धर्म के पुरोहित से अगर आप पूछिए सैक्रिफाइस, त्याग, बाहरी बताएगा, बाहरी। धन दे दो, फिर उससे क्या होगा?
नहीं धन का त्याग करो, नहीं फिर उससे होगा क्या? तुम्हारे पास 10 करोड़ रुपया, तुमने 10 करोड़ किसी को दे दिया, तुम्हारे अंदर क्या चेंज हुआ, तुम्हारे अंदर क्या बदला? कुछ भी नहीं। तुम्हारा मकान है, तुमने उसे दे दिया, तुम्हारे अंदर क्या चेंज हुआ? कुछ भी नहीं। इसीलिए तो पुरोहितों के बताए हुए रास्ते पर परिणाम नहीं मिलते।